आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे. जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो. आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको. राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे, महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे असं शासन असलं पाहिजे. दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये. मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं. एक दोन तीन दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो. कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा. मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किस बानूकडनं करा. आणि मणिपूरमध्ये या दोन महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी है, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं. हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए. रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं. और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं. संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए. शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री, क्योंकि वो सरकार अभी गैस पर है, सरकारच गैस वरती है. आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही. 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी, आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई. क्यों, 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्ष झाली नव्हती? पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है. और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है. आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे हैं कल और परसों, मुझे अभी अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे हैं, महायुति की बैठक करो. लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना. जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं, पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है. क्या कर रही है अपने राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं. अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है. और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं, बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं. लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही. अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला तो आपल्या मुंबईत सुरुवात झाली होती ग्वालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना. अगर उनको भगाते नहीं, हम लोग पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे.
हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं, आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत।